कहते हैं साथियों कि सोचो अपने सपनों के बारे में और खुद को उठा लो। सोचो अपने सपनों के बारे में और खुद को उठा लो। दब चुके अपने जोश को तुम फिर से जगा लो। दब चुके अपने जोश को तुम फिर से जगा लो। तो गाइज एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ITI फाउंडेशन क्लासेस में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में गाइज टेक्निकल हेल्पर वैकेंसी, जो नई वैकेंसी जारी होने वाली है, उसको लेकर जो है एक विशेष चर्चा मैं आप सभी से करने वाला हूं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और गाइस यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस YouTube चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ITI गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स रेगुलर आप सभी तक पहुंचती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में गाइस स्पेशली जो है मैं मैसेज देना चाहूंगा उन सभी ITI बेरोजगार युवाओं को जो चाहते हैं कि टेक्निकल हेल्पर वैकेंसी जल्द से जल्द जारी हो और इसमें पदों की संख्या जो है उसमें बढ़ोतरी हो। तो वो सभी जो है यहाँ पे देखिए, जो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सोमवार दिनांक 3 जून 2023 को प्रातः 11 बजे एक मीटिंग बुलाई है राजस्थान के विद्युत भवन के सामने। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी ITI बेरोजगार युवा हैं जो चाहते हैं कि टेक्निकल हेल्पर वैकेंसी जल्द से जल्द जारी हो और इसमें पदों की संख्या में वृद्धि हो, वो सभी जो है सोमवार 3 जून 2023 को प्रातः 11 बजे विद्युत भवन के सामने जरूर जरूर पधारें ताकि जो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं मिस्टर उपेन यादव जी, उनके नेतृत्व में जो है ऊर्जा विभाग को ज्ञापन दिया जा सके और सरकार के सामने जो है अपनी मांग को पूरे जोर शोर के साथ रखा जाए। गाइज यहाँ पे देखिए, मांग जो रखी जा रही है वो बिल्कुल वाजिब है। ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि राजस्थान सरकार ने जो है सन 2019 में अपने पहले बजट में 6000 टेक्निकल हेल्पर पदों की घोषणा की थी। उसके बाद में आप सभी को पता होगा कि 2022 में केवल और केवल जो है ऊंट के मुंह में जीरा वाला काम किया गया था और केवल 1512 पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई थी। अब यहाँ पे गाइस एक बार फिर से सुनने में आ रहा है कि केवल और केवल 900 पदों पर जो है नई टेक्निकल हेल्पर वैकेंसी जारी की जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में गाइस ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अब जो सरकार के द्वारा किए गए वादे थे वो सरकार को याद दिलाए जाए और अपनी जो मांग है, वाजिब मांग, उसको पूरे जोर शोर के साथ जो है हम सरकार के सामने रखें ताकि सरकार को जो है अपने किए गए जो वादे थे वो याद आए और टेक्निकल हेल्पर में पदों की संख्या में जो है वृद्धि करें। तो गाइस जो भी ITI बेरोजगार युवा चाहते हैं कि टेक्निकल हेल्पर वैकेंसी जल्द से जल्द जारी हो, इसमें जो पदों की संख्या है उसमें वृद्धि हो, वो सभी जो है एकत्रित होइए, इकट्ठे होइए सोमवार 3 जून 2023 को विद्युत भवन के सामने जो उपेन यादव जी के नेतृत्व के अंदर जो ज्ञापन दिया जाना है, जो आवाज जो है ऊर्जा विभाग के सामने रखी जानी है, उसको बिल्कुल बुलंद कीजिए पूरे जोर शोर के साथ जो है। यदि आप लोग आवाज रखोगे तो कहीं ना कहीं जो है हमें उम्मीद है कि सरकार भी जो है अपनी वाजिब जो मांग है, एक्चुअल जो मांग है, जो उन्होंने वादे ऑलरेडी कर रखे हैं, उस मांग को जो है सरकार भी कहीं ना कहीं पूरा करेगी, कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो है ध्यान देगी। तो गाइस आज के स्टूडियो में इतना ही। इसी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होगी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।